बड़ी खबर आ रही है जहां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हटाने की खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन था। तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। तमाम जानकारी के साथ अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ रहे हैं। अशरफ, अभी ताजा अपडेट्स क्या? कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि तो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि विरोध उग्र था क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में मूल्य वृद्धि हुई उसको लेकर इंदौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, उसी क्रम में मधुमिलन चौराहे पर युवा कांग्रेस द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने जो है उनको वहां से हटाते हुए बलपूर्वक हटाया और वहां उन पर उनको हिरासत में भी लिया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही थी और इस प्रदर्शन की जो है उन्होंने किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली थी चूंकि शहर में धारा 144 लागू। और जैसे ही प्रशासन को इस प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिली, प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हो चुके थे, काफी बल पुलिस का बल भी यहाँ पर मौजूद था। और जैसे ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए, वैसे ही पुलिस ने हरकत में आते हुए उन्हें जो है वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान जो है काफी धक्का मुक्की भी हुई और ऐसे कई मौके भी आए जब पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भी हुए और आखिर में पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाते हुए हिरासत में भी लिया है और अभी फिलहाल जो है उनको जेल भेजने की तैयारी पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला था, उससे पहले जिस तरह से पुलिस ने हटाया उसको लेकर भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी अभद्रता का आरोप लगाया। सुनीत, बिल्कुल सर, जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल जिस प्रकार से मंत्री पीसी शर्मा ने चूल्हे में गक्कर टिक्कर सेक कर विरोध जताया, कहीं ना कहीं लगातार अब इस मुद्दे को तूल पकड़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है और कांग्रेस लगातार इसे भुनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर जिस प्रकार से आज गिरफ्तारियां हुई है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल सुनीता, पिछले काफी समय से हमने देखा है कि चाहे पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो और जिस तरह से रसोई गैस के दामों में मूल्य वृद्धि हुई है, लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं विपक्ष की साख पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है एक बार फिर से एक्टिव हुई है इसी मुद्दों को लेकर, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लगातार जो है आम जनता भी काफी परेशान होती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में आम जनता की तरफ से भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि विपक्ष आखिर कहां पर है, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर जनता परेशान होती है तो उसका विरोध करना। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे थे और आखिरकार कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में आई और कल से लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना। आज इंदौर में ही कई जगह पर कांग्रेस पार्टी द्वारा इन तीनों ही मुद्दों, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या रसोई गैस के दामों में जो मूल्य वृद्धि हुई उसको लेकर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई गई थी। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही पुलिस जो है प्रदर्शन को रोका क्योंकि उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी। और यहाँ पर जो है कई मौके ऐसे आए जहाँ पर पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हुए, धक्का मुक्की भी हुई और आखिर में पुलिस को जो है बलपूर्वक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना पड़ा और आखिर में जेल भेज दिया गया। सुनीता, बिल्कुल, इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर बलपूर्वक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये विरोध महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में ये प्रदर्शन था। बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर में कांग्रेस का पेट्रोल डीजल को लेकर ये प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।